नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रोतक में। एस्ट्रोतक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी किए हुए हैं। अब एक खास और एक जरूरी बात, एस्ट्रोतक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पेज हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि सारे सब्सक्रिप्शन आप तक आपको मिल सकें। साथ ही अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इसे लाइक कराएं ताकि वो भी अपने जीवन को कुछ पॉजिटिव जरूर बना सकें। अब आज का खास और विशेष टॉपिक दंडपाणि भैरव। क्या आपने इस भैरव का पहले कभी नाम सुना है? तो हाँ, दंडपाणि भैरव करेंगे आपके जीवन को बाधा मुक्त। आइए जाने कैसे। तारीख है 30 अक्टूबर 2018 और इस दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी कि छठी तिथि है और साथ ब साथ में पुनर्वसु नक्षत्र है। और छठी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र से जो सिद्ध योग बना है उसमें दंडपाणि भैरव का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, इसलिए धर्म की रक्षा हेतु दंडपाणि, जो दंड देने वाले भैरव हैं, उनका पूजन किया जाएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड में ये लिखा गया है कि यक्ष पूर्णाभद्र नाम का जो यक्ष है और उसकी पत्नी कनाका कुंडल, ये संतान प्राप्ति के लिए शिव तपस्या में लीन रहते हैं। यक्ष जो होते हैं वो पूर्णतः शैविक होते हैं और शैव उपासना ही करते हैं। शिव कृपा से इन्हें हरिकेश नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। हरिकेश अन्न और जल त्याग कर शिव भक्ति में लीन हो जाता है। जब उसे एक दिन पता लगता है कि महादेव काशी पधार रहे हैं तो महादेव के काशी आगमन पर हरिकेश शिव दर्शनों के लिए काशी पहुंचता है। हरिकेश का शरीर अति निर्बल हो जाता है, उसकी चमड़ी सूखने लगती है, हड्डियां निकल आती हैं उसकी, उसके गाल पिचक जाते हैं और बिल्कुल हीनता की दृष्टि से वो शिव को साष्टांग प्रणाम करता है। महादेव उसे देखकर थोड़े विनम्र हो जाते हैं और महादेव दुर्बल हरिकेश को देखते हुए उसे छूकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम जैसा भक्त को ही नहीं है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव हरिकेश को सौंटा देते हैं जिसे दंड कहते हैं और उसे दंडपाणि भैरव घोषित करते हैं। उसे यक्षराज का पद प्रदान करते हैं और वरदान देते हैं कि जो कोई भी काशी आएगा और अगर वो दंडपाणि भैरव का पूजन नहीं करेगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, वो अघम में चला जाएगा। दंडपाणि भैरव को दोषियों को दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है, इसलिए दंडपाणि भैरव का विशेष पूजन आपको जीवन से बाधा मुक्त बनाता है, आपके जीवन से बाधाएं खत्म कर देता है। तो चलिए अब आपको बताता हूं आज की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। घर की दक्षिण दिशा में भैरव जी का चित्र रखिए और उसका विधिवत पूजन कीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, लोबान से धूप कीजिए, काजल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, लाल और नीले फूल चढ़ाइए, उड़द का भोग लगाइए तथा किसी माला से, अगर हो सके तो काले हकीक की माला से एक माला ये जाप जरूर कीजिए जो मैं आपको विशेष मंत्र बताने जा रहा हूँ, और पूड़ियों का भोग जरूर लगाइए, तेल में तली पूड़ियों का, और साथ में इमरती का भोग लगाइए और इस भोग को बाद में काली गाय को और श्वान को खिला दीजिए यानी कि कुत्ते को खिला दीजिए। और स्पेशल पूजन मुहूर्त जो रहेगा दिन का, अगर आप दिन में करना चाहें तो वो है 11:42 से लेकर दिन को 12:26 तक। और स्पेशल पूजन मंत्र है ह्रीम नीलवर्णो दंडपाणि भैरवाय नमः। फिर से दोहरा रहा हूँ, ह्रीम नीलवर्णो दंडपाणि भैरवाय नमः। और अब आप स्पेशल टोटका, बाधा मुक्त जीवन के लिए भैरव जी पर चढ़े काली मिर्ची के 6 दाने जल प्रवाह कर दीजिए यानी कि उसे पानी में बहा दीजिए। और आपकी किस्मत बदलने के लिए, आपके जीवन से बाधाएं हटाने के लिए, आपके गुडलक के लिए एक आपको स्पेशल मंत्र बता रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला से ह्रीम बटुकाय नमः इस मंत्र का आज जाप कीजिए। जीवन के सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, जीवन में व्याधि समाप्त होगी, बाधाएं खत्म होंगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे नए टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।